दो वर्ष पूर्व मोहल्ले में पानी निकासी की समस्या को लेकर मोहल्ले वालों ने जनपद सीईओ भटनागर को आवेदन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत करहल वार्ड में नाला निर्माण करने का कार्य किया, मगर हुआ ये कि नाले की राशि 80,500 पूरी निकाल ली गई और नाला बनाने के नाम पर नालियां बनाकर सिर्फ खानापूर्ति करके चले गए। वार्ड वालों की समस्या जस की तस बनी रही। जब इस समस्या के बारे में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह रजावत को अवगत कराया गया तो वह स्वयं किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष विष्णु गुर्जर एवं अपनी पूरी टीम को साथ लेकर वार्ड में सफाई करने पहुंच गए। सफाई के साथ साथ उन्होंने नाला निर्माण घोटाले को देखा और माना कि वाकई में यहां भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से करने का वादा वार्ड वासियों से किया और भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमने कागज भेज दे हमने। अच्छा हाँ, बाकी बात में मिल नहीं रहा पैसा। तो आपको पीएम आवास नहीं मिल रहा है? मिल नहीं रहा। मतलब जी क्या बताते हैं वो कि क्यों नहीं मिल रहा है? खमालो बाबा तो कोई नहीं बता दिए, ये कि मिल नहीं रहा। मतलब अभी तो पैसे वैसे की मांग की जाती है? अब मांग तो पता नहीं हमसे मांगेंगे नहीं, हमसे तो नहीं आपका पीएम आवास नहीं। अभी से 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक नाला स्वीकृत हुआ था, जब जनपद सीओ एसएस भटनागर साहब थे तो उन्होंने 80,000 रुपये का इसमें एस्टिमेट बनाया था जो पंचायत द्वारा निकाल लिया गया, लेकिन आज तक यह नाला बनाया नहीं गया। अभी जो जनपद सीईओ वर्तमान में मौजूद है उन्हें मैंने अवगत कराया तो वो कह रहे हैं कि ये गबन का मामला है, इसको हम रिकवर कराएंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन पर जवाब देते हैं कि इंजीनियर ने 80,000 रुपये एस्टिमेट दिया था, हमने तो 80,000 रुपये लगा दिए, अब आप जानो आपका काम जाना। ऐसी ही समस्याएँ हैं। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मोहल्ला परेशान है। बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मम्मी गिर गई मेरी एक बार, यहाँ पे और क्या, 10,000 रुपए लगे, मम्मी के पैर में लग गई। राशि भी तो स्वीकृत की गई है नाले का निर्माण के लिए, उन कागजों में बताया गया निर्माण हो चुका है इस नाले का। निकाल लिया वो तो निकाल लिया और पैसा और सही कहाँ भाव काम कहाँ होगा इसका भी पैसा तो निकाल लिए और गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब है, कोई सुनवाई नहीं है और गरीब है, कोई सुनवाई नहीं है। वो तो काफी सालों से 10-15 साल से नहीं पड़ रहा है कि मैं नहीं जा रही है, फोन नहीं कर रहा, बता सबने कर रहे हैं। समस्या का गिर रहा है जी, ये समस्या जो सफाई वगैरह नहीं की जा रही है, नहीं की जा रही जी। देखो कोई नहीं आया ही नहीं, मैं तो नहीं आ रही। पंचायत द्वारा बताया गया है पंचायत में 80,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी इस नाले के लिए, बनी है या नहीं बनी? नहीं बनी, वैसी डरी है। नहीं नहीं बनी, बोल रही है वैसी, मतलब बिना वाके ही निकाल लिया गया। हाँ वैसे ही निकाल लो, कोई नहीं कोई निकाल रहा होगा, कोई ले भी बारे में हमें का पता। हाँ कोई खा रहा होगा तो खा रहा होगा, पंचायत में हमें का पता कौन का कर रहा है। हाँ गड्ढे में गरी गई, मेरे हाथ में लग गई नहीं, वो इलाज करवा मैंने सही भाई। हाँ गड्ढा और खोद गए, गड्ढा खोद गए, मैं कह तो रही हूँ गड्ढा और फटक गए। हम खोद गए पांच में मौजूद है करहल तहसील के अंदर, क्या समस्या है और आप लोग यहाँ क्यों आई हुई है? और आज आपके द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है आपका? वार्ड वासियों की कंप्लेंट थी कि हमारे मोहल्ले में, ऐसा इन्होंने बताया भी है कि इस पंचायत ने राशि निकाल ली है और अभी तक कोई काम नहीं किया। और इससे पूर्व 3 महीने पहले हम जनपद का चुनाव लड़े थे, हमने मोहल्ले वालों से वादा किया था कि हमारे को जीते हम तुम्हारे मोहल्ले की सफाई करेंगे। कल इन्होंने मुझे बताया और आज हम पूरी किसान मोर्चा की टीम, भाजपा किसान मोर्चा की टीम इनके कहने पे आज सफाई करने आई। देखा तो बहुत बुरी, आप इधर भी देख सकते हो कितनी बुरी हालत है, बदबू आ रही है, मोहल्ले वाले कैसे रह पा रहे हैं वो बेचारे, वो तो यही जाने। पंचायत निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रही है, ऐसी कई जगह मेरे पास शिकायतें आती हैं, लेकिन मैं इस संबंध में कल कलेक्टर साहब को और जिला पंचायत सीईओ को और जनपद सीईओ को अवगत कराऊंगा। गुड नंबर एक। वार्ड 5 में सीएम हेल्पलाइन काफ़ी लगी हुई है कि ये नाला निर्माण की क्या समस्या है, इसमें क्या जानते हो आप इसके विषय में? मैंने खुद ने लगाई है एक सीएम हेल्पलाइन तो, लेकिन वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं मिलता है और जो भी पैसा इन्होंने निकाला है वो सब खत्म कर दिया है, सब बट गया है। तो अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया या नाला वगैरह जो बनाना था? जो सामने देखो क्या स्थिति है। नहीं स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पंचायत इस विषय में क्या कहती है पूछने पर? पंचायत कहती है कि हमारा, हमने जितना भी पैसा निकाला उतना हमने काम कर दिया है। तो 80,000 का काम आपको लगता हो गया? हो जाता तो हम सीएम एयरप्लान को लगाते। आपको क्या समस्या इस बार? समस्या नाली की है बस, मैं ये पानी नहीं निकलता, बच्चे परेशान रहते हैं। पानी की निकासी नहीं, बड़ी बरसात में ज़्यादा समस्या आती है। बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या। इस विषय में पंचायत से अवगत कराया था? कराया भी है इसमें, और ये मेरे पार्टी ने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है इसमें। तो कोई काम अभी तक हुआ नहीं है? कोई अधिकारी अब तक आए इस विषय पर पूछताछ करने? अधिकारी आए नहीं।
आपको भाई साहब स्थिति देखकर क्या लगता है? मतलब देखिए ये लग रही है पूरी लोट कसौट चल रही है, बस पैसा निकाल के खजाते हैं पूरे काम, एक रुपया को नहीं। हमारे बाढ़ में देख लो आप, चार में बहुत बुरी हालत है। मतलब यहाँ देखकर आपको क्या ऐसा लग रहा है? यहाँ देख के ऐसा लगा मैं तो नरकी जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग। बात आपको ऐसा लगता है कि 80,000 रुपए का काम नहीं है? 8 रुपए का काम नहीं देख रहा हूँ यहाँ। तो पंचायत तो बताती है 80,000 रुपए में काम, खुदा के देख लें। आपने सीओ साहब खुदा के देख लें, जनपद सीओ साहब आके 8 रुपए का काम देख रहे हैं क्या? नहीं स्थिति देख कर तो नहीं लग रहा है बस। तो फिर पीएम आवास संबंधी भी शिकायतें बहुत है इधर। पीएम आवास घर घर के, इनको पीएम आवास मिल गए, जाते हैं आवेदन लेकर तो 10,000 पहले मांगते हैं। अच्छा रिश्वत मांगी जाती है? रिश्वत मांगी जाती है, 10,000 रुपए मांगते हैं डायरेक्ट पीएम आवास के। 10,000 तुम्हारा नाम जब आएगा 10,000 रुपए दो पहले। इस मोहल्ले में और क्या आपको पास में जो रहती हो, कितनी बदबू आती है आपको? बदबू के बारे में आपने कितनी बार शिकायत की है और आपकी कोई सुनवाई नहीं करता क्या? क्या क्यों परेशान हो आज ये नेता लोग, ये सोपोर से क्यों आ रहे हैं आपके यहाँ? कोई सुनवाई नहीं करे, मेरे यहाँ बहुत गंदगी मची रहती है और मेरे बच्चे उठ उठ के गिरते हैं, कोई परेशान मेरे बहुत, मैं सब जगह लगा ले, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्यों सुनवाई नहीं होती है? नेक आते हैं नेक देख दाख के वैसे फॉर्मेलिटी कर चले। क्या समस्या है, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको? पूरी नली को पानी में दरवाजे में भरता है पूरा पानी। तो क्या जैसा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि नाली का पैसा निकाल लिया गया, ये क्या बात है? निकालवे की तो मुझे जानकारी नहीं है, निकालवे की तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा आप, लेकिन मुझे तो जो चाहिए कि मेरी नली जैसे पक्की नाली में नहीं जाए, जो चाहिए मुझे तो वो कोई समस्या नहीं।